असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों के लिए मशहूर समझे जाते हैं, वहीं उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी किसी भी पहचान करवाने के मोहताज नहीं है। तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या। ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में दो जगह अपनी सीटों पर कामयाब रही, लेकिन इसी के साथ साथ महाराष्ट्र का औरंगाबाद, जो कि शिवसेना का गढ़ माना जाता था, वहां से ओवैसी की पार्टी ने पिछले विधानसभा में अपना झंडा गाड़ा था, लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार और शिवसेना भाजप के उम्मीदवार में कांटे की टक्कर चली, लेकिन आखिर में औरंगाबाद में AIMIM के उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन इस बात को मानना ज़रूरी है कि AIMIM के उम्मीदवारों ने आखिर तक ये महसूस नहीं होने दिया कि उनकी जीत नहीं होगी। पहले तो लगा कि औरंगाबाद के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से ओवैसी के उम्मीदवार जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां से भाजपा के उम्मीदवार अतुल सावे ने जीत हासिल की। औरंगाबाद मध्य विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही नक्शा देखने को मिला। AIMIM के नासिर सिद्दीकी चुनाव मैदान में थे, वहीं शिवसेना के पहले खासदार और आमदार रह चुके प्रदीप जायसवाल मैदान में थे। इस विधानसभा क्षेत्र की सीट में काफ़ी टक्कर और रेस देखने को मिली, लेकिन आखिर में कुछ वोटों की वजह से नासिर सिद्दीकी को हार का सामना करना पड़ा।